हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, कल आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम होने वाला है A345 कोड का। जैसा कि आप सभी की कमेंट आई थी कि भैया जी, हमारा जो इकोनॉमिक्स का एग्जाम है तो आप उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेकर आइए। दोस्तों, मैं आपके लिए एक मॉडल पेपर ये लेकर आया हूँ 100 क्वेश्चनों का, और एक वीडियो आपको लगभग आज रात 9 से 10 बजे के बीच में मिल जाएगी, जो आपका चारों यूनिट का अध्ययन करने के बाद में एक मास्टर वीडियो होगी। और आप सभी को पता है मास्टर वीडियो से आपको कितना फायदा मिलेगा। अगर आपने सोशियोलॉजी का एग्जाम दिया हो तो मैंने आपको लगभग 100 क्वेश्चन ऐसे ही कराए थे मॉडल पेपर में, और आपका 85 क्वेश्चन मास्टर वीडियो में कराए हैं। तो 185 क्वेश्चनों में से लगभग आपका 65 क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। तो आप अपने भाई पर विश्वास कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका कल जैसे ही एग्जाम होगा उसके बाद आपको एनालिसिस भी इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। चलिए देखिए, पहला सवाल, अंग्रेजों ने भारत में आकर किस अर्थव्यवस्था को जन्म दिया? जो अंग्रेज आए थे उन्होंने भारत में आकर दिया था आपका अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था को जन्म। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? कौन सी करती थी? मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी, बी क्या हो जाएगा? बी फोर बॉल, बिल्कुल एकदम सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिए, तीनवा क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? तो किसको नहीं अपनाया गया? स्थायी बंदोबस्त को अपनाया गया था, रैयतवाड़ी को भी, और महलवाड़ी को भी। दहशाला को नहीं अपनाया गया था। किसको? दहशाला को नहीं अपनाया गया था। डी फोर देवसेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर चार, प्राचीन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था थी, जो आपकी प्राचीन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो कृषि एवं ग्राम प्रधान थी। कौन सी थी? कृषि एवं ग्राम प्रधान थी। ऑप्शन नंबर ए। ए फोर क्या होता है? एप्पल। देखिए अगला सवाल, भारत कब तक ब्रिटिश उपनिवेश रहा? देखिए, जो भारत में ब्रिटिश का उपनिवेश है वो रहा है आपका 14 अगस्त 1947 तक। कब तक रहा है? 14 अगस्त 1947 तक भारत में जो है ब्रिटिश का उपनिवेश रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक शोषण के परिणाम स्वरूप क्या है? भारत कृषि प्रधान देश ही बन रहा। बिल्कुल सही आंसर है। हस्तलिखित नष्ट हो गई, बिल्कुल सही बात है। उद्योगों का आधुनिकीकरण न हो सका, ये भी सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, डी फोर देवसेना। देखिए अगला सवाल, स्वतंत्रता के रूप रैयतवाड़ी व्यवस्था देश के कितने भाग में व्याप्त थी? जो आपकी ये रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये देश के कितने भाग में लागू थी? लगभग 52% पर ये आपकी लागू थी। कितनी? 52% पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महलवाड़ी प्रथा सर्वप्रथम लागू की गई? देखिए, जो आपकी महलवाड़ी प्रथा है ये सर्वप्रथम कहां पर लागू की गई भारत में? ये लागू की गई थी यूपी में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था है, जो हमारी वर्तमान की भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? गतिशील है। कैसी है? गतिशील है। आइए आगे, भारत में सर्वप्रथम मिश्रित अर्थव्यवस्था की घोषणा कब की गई? देखिए, जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और इसकी घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा की गई थी सन 1948 में। कब की गई थी? 1948 में की गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था है, देखिए, जो आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मैंने आपको बताया कैसी है? विकासशील है। कैसी है? विकासशील। सी फोर चीता। आइए आगे, देश में निजी क्षेत्र की आर्थिक क्रियाओं का प्रतिशत, देखिए, जो हमारे देश में प्राइवेट क्षेत्र हैं उनका जो आर्थिक क्रिया प्रतिशत है वो कितना है? 80% है। कितना है? 80% है। चलिए बढ़िया आगे, भारतीय निवासियों की निर्धनता के कारण है, देखिए, जो हमारे भारतीय हैं उनकी जो निर्धनता के कारण है, यानी कि हम गरीब क्यों हैं? देखिए, हम गरीब इसलिए क्योंकि हमारी जनसंख्या में वृद्धि है, मानवीय एवं प्राकृतिक साधनों का पूर्ण रूप से विदोहन न होना, ये भी सही है, आय व धन का दोषपूर्ण वितरण, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, आपके लिए ना एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ना पूरा ध्यान से देखना है। निजी क्षेत्र में उत्पत्ति के साधनों पर स्वामित्व होता है, किसका होता है? निजी क्षेत्र में व्यक्तियों का होता है या संस्थाओं का होता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय असंस्थागत ढांचे का निर्माण होता है, कैसे होता है? व्यक्तिगत उत्पादन से होता है, उद्यम एवं व्यवसाय से होता है, बैंक बीमा कंपनियों से होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इन सभी से जो है क्या होता है, भारतीय संस्थागत ढांचे का निर्माण होता है। देखिए, भारत एक है जिसमें निर्धन लोग निवास करते हैं। भारत एक कैसा देश है? भारत एक सभ्य देश है, विकसित देश है, विकसित तो नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया भारत एक विकासशील देश है, गरीब है नहीं, गरीब भी नहीं है। भारत कैसा है? एक धनी देश है। कैसा है? धनी देश है। देखिए अगला सवाल, 17वां क्वेश्चन, विनिर्माण उद्योग सम्मिलित किए जाते हैं, जो आपके विनिर्माण है, विनिर्माण यानी कि कारखाने वगैरह, वे किए जाते हैं आपका द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित। किस में किए जाते हैं? द्वितीयक क्षेत्र, B4 बाहुबली। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18, भारत बाजार की अपूर्णता के संबंध में निम्न में क्या असंगत है? इनमें से आपको जो बाजार की अपूर्णता है, इनमें से कौन सा अलग है वो बताना है। साधन गतिशीलता सही है, बाजार में प्रति अभिघनता ये भी सही है, विशिष्टीकरण का भाव ये भी सही है। तो अलग कौन सा है? मूल्य की लोचशीलता। क्या है? मूल्य की लोचशीलता इसमें से जो है अलग हो जाएगा। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आपका संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन प्राकृतिक भी होते हैं, मानव निर्मित भी होते हैं, मानव संसाधन भी होते हैं। तो कौन से होते हैं? ये सभी होते हैं। क्या होते हैं? ये सभी जो होते हैं मानव संसाधन के प्रकार हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके एक अच्छा उत्पादन करते हैं, तो यह एक गतिविधि है। देखिए, जब हम जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जब उनका यूज करके हम उत्पादन यानी प्रोडक्शन करते हैं, तो उनका जो है क्या होता है, गतिविधि क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी प्राथमिक क्षेत्र की, कहलाती है प्राथमिक क्षेत्र की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन संपदा का एक उदाहरण है। देखिए वन संपदा, वन मतलब पेड़ पौधे, पेड़ पौधों में क्या होती है? लकड़ी। तो किसका है ये? लकड़ी का है, ऑप्शन नंबर सी, C4 चीता। देखिए अगला सवाल, संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना व उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? ये कहलाता है संसाधन संरक्षण। क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है ये प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मिट्टी में ज्वालामुखी पदार्थ पाए जाते हैं? जो आपके ज्वालामुखी पदार्थ है वो पाए जाते हैं रेगड़ मिट्टी में। किसमें? रेगड़ मिट्टी में। D4 देवसीना। मैग्रोवा बहुतायत में उत्पन्न होते हैं। देखिए जो हमारे मैग्रोवा वन है वो कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? सबसे ज्यादा गंगा डेल्टा में होते हैं। कौन से में होते हैं? गंगा डेल्टा में। जो है डेल्टा होता है, जो आपका नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद होते हैं, उनके द्वारा जो जमा करके जो हमारी मिट्टी बनती है, जो हमारी आकृति बनती है, वो क्या होता है? डेल्टा होता है। तो मैग्रोवन बहुतायत कहाँ उत्पन्न होते हैं? आपका गंगा डेल्टा में। देखिए भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवसाय वन कौन से है? देखिए ये है आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में जो है व्यावसायिक वन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्राम से नगर के होने वाले प्रवास को कौन सी पर्यावरणीय समस्या प्रमुख से उत्पन्न करती है? देखिए जो आपके भारत में ग्राम से नगर की ओर प्रवास करते हैं, मतलब भारत के जो लोग हैं वो गांव से शहर की ओर प्रवास करते हैं, तो कौन सी जो है प्रमुख रूप से समस्या उनको जो है क्या करती है, उत्पन्न होती है, वो कौन सी होती है? गंदी बस्तियों का फैलाव, क्योंकि लोग गांव से जाते हैं, उनको साफ सफाई का इतना ज्यादा ध्यान नहीं रहता, तो इसलिए क्या करते हैं? गंदी बस्तियों का फैलाव करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए खरीफ की फसल कब बोई जाती है? खरीफ की फसल बोई जाती है जून जुलाई में। कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं, भारत की जो वाणिज्य फसलें हैं, कमर्शियल क्रॉप है, वो कौन कौन सी है? कपास है, तिलहन है, जूट है और गन्ना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, C4 चीता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां कैसे है, सूची एक को सूची दो से मिलाइए। देखिए चाय, आपका गन्ना, मूंगफली और सेब। देखिए सबसे ज्यादा चाय कहाँ पर होती है? असम में होती है। कहाँ पर होती है? असम में होती है। और सबसे ज्यादा जो आपका गन्ना है, जो सबसे ज्यादा गन्ना होता है वो कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, आप सभी को पता है। सबसे ज्यादा मूंगफली कहाँ पर होती है? गुजरात में होती है। और आपका जो है ये क्या हो जाएगा, आपका जो सेब है सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? हिमाचल प्रदेश में होती है। क्या हो जाएगा आपका आंसर? हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा बी, B4 बाहुबली। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 30वां, गलत युग्म को पहचानिए। देखिए चाय असम में होती है, नारियल केरल में होता है, गन्ना यूपी में होता है, मूंगफली बिहार में नहीं होती। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन, पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? देखिए
आपका जो इसमें सर्वाधिक उपयुक्त कारण है आपका ये हो जाएगा उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी भूमि जो तो एक बड़े समूह में जोड़ने को भूमि होल्डिंग पर क्या है, भूमि जोत का समेचन है, क्या है ये प्रक्रिया है भूमि जोत का समेचन, क्या है ये प्रक्रिया भूमि जोत का समेचन है, डी फोर देवसेना सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस घोषणा सरकार द्वारा एक फसल से समर्थन की जाती है, किसके द्वारा मिनिमम समर्थक मूल्य, इसको बोलते हैं हम एमएसपी, क्या बोलते हैं एमएसपी हम इसको बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वृक्षारोपण खेती के बारे में सही नहीं है। देखिए किसानों ने पेड़ों की कटाई और उन्हें जलाने, अनाज और अन्य खाद्य फसलों का उत्पादन करने, भूमि के एक पैच को साफ किया, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि ये इसका इसके जो है वृक्षारोपण के बारे में सही नहीं है ये कथन। देखिए अगला सवाल, TACS ग्राम स्तर स्तर की संस्था है, TACS में ए का अर्थ क्या है। देखिए ए का मतलब क्या होता है आपका, एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर का मतलब खेती, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक है। देखिए भारत में सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादन है भारतीय किसान उर्वरक लिमिटेड, क्या है भारतीय किसान उर्वरक निगम लिमिटेड जो है भारत का सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना PB18 और कल्याण HYVS कार्यक्रम में उच्च उपज वाले विभिन्न किस्म के बीज थे जिनका उपयोग निम्न में से किस फसलों में किया गया था। ये जो आपके बीज के किस्म है ये किसके हैं, गेहूं के हैं, किसके हैं ये गेहूं के हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, बफर स्केटिंग की जिम्मेदारी के साथ शुरू की गई एजेंसी कौन सी है, भारतीय खाद्य निगम लिमिटेड, कौन सी है भारतीय खाद्य निगम लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मिश्रित कृषि में सम्मिलित है, देखिए कौन से है मिश्रित कृषि में, कई तरह की फसलें उगाना, पशुपालन भी करना, ये क्या है मिश्रित खेती है क्योंकि हम क्या करते हैं कई प्रकार की फसलें उगाते हैं और साथ में पशुपालन भी करते हैं तो मिश्रित हो गया ना ये, इसलिए मिश्रित खेती में ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40वां, समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है, ये कौन करती है आपका, कृषकों को प्रेरणादायक मूल्य, यानी कि जो कृषक है उनको एक अच्छा मूल्य मिलना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए आपका सॉरी दोस्तों ऑप्शन बी नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा कृषि के मूल्यों में स्थिरता भी होनी चाहिए, कृषि को प्रेरणादायक मूल्य मिलना चाहिए और सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्न का भंडारण भी होना चाहिए, यानी कि ये सभी सही हो जाएगा। सॉरी इसे थोड़ा सा जो है गलत हो गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक लक्ष्य देश के चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीन में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता की वृद्धि लाकर कुछ फसलों को उत्पादकता में वृद्धि लाना है, ये फसलें कौन कौन सी है, ये है आपकी चावल गेहूं और दलहन, कौन कौन सी फसलें हैं चावल गेहूं और दलहन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। देखिए फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर होती है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी होती है, आपका फलों की खेती पोमोलॉजी होती है और सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं होती, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं होती, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हरित क्रांति का क्या अर्थ है, देखिए हरित क्रांति का जो मतलब होता है वो होता है कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना, ये क्या होती है हरित क्रांति होती है इसका मतलब। देखिए अगला क्वेश्चन 44वां कैसे है, राष्ट्रीय कृषि नीति में निम्न में से मुख्य उद्देश्य रहे हैं। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन करना ये भी रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों की ओर शहरों की ओर पलायन पर कुछ अंकुश लगाना ये भी सही रहा है, आर्थिक उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण से उत्पन्न होने वाली विभिन्न चुनौतियां ये भी रहा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको पहले एग्जाम से ही बताता आ रहा हूं कि अगर आपको ऑप्शन कहीं पर ये सभी मिले तो आपको उसको प्रायोरिटी पर रखना है, अगर आपको तुक्का मारना है तो इस पर ही मारना है क्योंकि इसकी संभावना ज्यादा रहती है सही होने की। देखिए निम्न में से किसने भारत की कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का इस्तेमाल किया है, तो किसने किया है MS स्वामीनाथन ने किया है, किसने किया है वैसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आ सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रांति का उद्देश्य खाद्यान्नों के उद्यान में वृद्धि करना है, किसका है हरित क्रांति का ये मतलब है, मैंने आपको ऊपर बताया है सी फोर चीता सही हो जाएगा। हरित क्रांति से संबंधित कथन पर विचार करें, देखिए
आपका जो है ये हरित क्रांति से जो संबंधित है, आधुनिक उपकरणों तकनीकों को शामिल करके कृषि उत्पादन में वृद्धि, जी हाँ ये भी है, और आपका नई उपज वाली गेहूं की किस्मों को प्रोफेसर नॉरमैन बोरलॉग द्वारा विकसित किया गया और कई देशों के सदाबहार कई और कई देशों द्वारा अपनाया गया, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों हमारे कथन जो है ये सही है। देखिए 48वां सवाल, सदाबहार क्रांति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए जो आपकी सदाबहार क्रांति है वो क्रांति का तात्पर्य परिस्थिति सामाजिक नुकसान के बिना निरंतरता में उत्पादक सुधार में भी है, बिल्कुल सही बात है। और आपका सदाबहार क्रांति में प्रौद्योगिकी विकास और प्रसार में परिस्थिति सिद्धांतों का एकीकरण शामिल है, ये भी बात सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है, तो ए और बी दोनों सही, ऑप्शन सी फॉर चीता बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। सदाबहार क्रांति के लिए 3 साल में रोड मैप कौन सी है? देखिए ये है आपके 2017 तो से 2020, सन 2017 से 2020 सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 हुआ, निम्न में से कौन ऊर्ध्वाधर खेती की तकनीक में सम्मिलित है? देखिए जो ऊर्ध्वाधर है वो होती है हाइड्रोपोनिक्स होती है, एक्वापोनिक्स होती है और आपका एरोपोनिक्स होती है। देखिए ये जो आपकी तीनों होती हैं ये आपकी ऊर्ध्वाधर खेती के टेक्निक है। तो आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आज के मॉडल पेपर के हमारे 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार से मेहनत यहाँ पर मिलती रहती है, देखिए और मिलती रहेगी। चलिए अगला सवाल, कृषि को बदलने के लिए हाल में 5 आविष्कार हुए हैं, यह कथन है? यह कथन क्या है? सत्य है। क्या है ये कथन? ये कथन है आपका सत्य। देखिए अगला सवाल, भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? ये है आपकी किसी इकाई में यंत्रों व उसके लिए निवेश मान, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से लघु उद्योग की समस्याएं हैं, लघु उद्योग जो हमारे लघु उद्योग हैं उनकी समस्याएं क्या क्या है? पूंजी का भाव भी है, कच्चे माल का भाव है, विपणन जानकारी का भाव है। तो आंसर ये सभी, ऑप्शन डी, डी फॉर देवसीना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है? देखिए जो भारत में सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है आपका हथकरघा उद्योग। क्या है? हथकरघा उद्योग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सिडबी का अर्थ क्या है? देखिए सिडबी का अर्थ है आपका लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के प्रमुख बड़े उद्योगों में संबंधित नहीं है? देखिए कौन सा नहीं है? खादी व ग्राम उद्योग भारत के बड़े उद्योगों में संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पारस्परिक उद्योग या ग्रामीण उद्योग के रूप में भी जाना जाता है? किसको जाना जाता है? कुटीर उद्योग को जाना जाता है, बी फॉर बाहुबली। चलिए आगे, निम्न में से कौन सा आधुनिक लघु उद्योग के अंतर्गत आता है? देखिए लघु उद्योग के अंतर्गत आता है आपका पावर लूम। क्या आता है? पावर लूम आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय के अंतर्गत आता है, व्यवसाय के अंतर क्या आता है? व्यापार व उद्योग। व्यवसाय क्या होता है? व्यापार करना या उद्योग करना होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारी इंजीनियरिंग उद्योग किसे कहते हैं? ये कहते हैं आपका हैवी मशीनरी को। किसको कहते हैं? हैवी मशीनरी को क्या कहते हैं? भारी इंजीनियरिंग उद्योग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहलाता है? यह है आपका बंगलुरु। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको बिल्कुल रट के जाना है, आ सकता है। कपास कपड़ा उद्योग एक क्या है? कृषि आधारित उद्योग है। क्या है ये? एक कृषि आधारित उद्योग है, सी फोर चीता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कताई क्षेत्र कताई सॉरी दोस्तों कताई नहीं कताई क्षेत्र से संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है आपका? हमारे द्वारा उत्पादित अधिकांश रतालू का उपयोग हमारे स्थानीय बुनकरों द्वारा किया जाता है, ये इसका सही आंसर है, ये कथन जो है गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 हुआ, एल्यूमिनियम उद्योग के स्थान के लिए कौन से दो प्रमुख कारक हैं? कौन कौन से हैं एल्यूमिनियम के लिए? बिजली और बॉक्साइड की सस्ती और नियमित आपूर्ति। क्या है? सही आंसर है, सी फोर चीता हो जाता है। देखिए आगे, निम्न में से किसे के लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई? किसके लिए की गई? सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्य उपक्रमों के लिए क्या किया गया है? उद्यमी हेल्पलाइन शुरू की गई है। चलिए अगला सवाल, लघु उद्योगों द्वारा समान सामना की जाने वाली निम्न में से कौन सी समस्याएं हैं? देखिए जो आपके लघु उद्योग होते हैं निष्क्रिय क्षमता भी होती है, प्रौद्योगिकी समस्या भी होती है, आधारभूत संरचना भी होती है। तो आंसर ऑप्शन डी फोर क्या होता है? डी फोर डंकी। क्या होता है? डी फोर डंकी। देखिए अगला सवाल,
भारतीय चीनी उद्योग निम्नलिखित में से किन समस्याओं से जूझ रहा है? देखिए, ये समस्याएं आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ये सारी समस्याएं जो है हमारे चीनी उद्योग की हैं। तो ऑप्शन सी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। देखिए, भारत सरकार द्वारा नवीन उद्योगिकी की घोषणा कब की गई? कब की गई थी? 24 जुलाई 1991 को क्या की गई थी? नवीन उद्योगिकी नीति की घोषणा जो है भारत सरकार द्वारा करी गई थी। देखिए, 69वां, भारत में एक रुग्ण औद्योगिक है इकाई है, वह है, देखिए, जो आपका रुग्ण औद्योगिक इकाई है वो है जिसको वर्तमान वर्ष में तथा पिछले 5 वित्तीय वर्षों में हानि उठानी पड़ रही है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 70वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? देखिए, जो आपका राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष है उसकी स्थापना जो किस उद्देश्य से की गई थी, वो की गई थी उद्योगों के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों की पुनर्स्थापना। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाता है? देखिए, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 71वां, देखिए ये भी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर सूची दी गई है तो आपको मिलाना है। देखिए, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, यहाँ पर इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1955 में, ठीक है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आपका इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, आपका इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। और बचा क्या है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ये हुई थी 1990 में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डी ए बी सी सही हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल BIFR संबंधित है। BIFR का जो है आपको बताना है किससे संबंधित है? रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से। ऑप्शन ए राइट है। देखिए, अगला क्वेश्चन 73वां, सन 1991 में संकट से निपटने के लिए भारत के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन, सॉरी, कथन पर विचार करना है? देखिए, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, और सही है। देखिए, बी कौन सा है? भारत नई आर्थिक नीतियों के साथ आया जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की स्थिति पर आधारित थी। सही बात है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सतर्कता एवं सजा के रूप में नहीं थी बल्कि अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धी माहौल बनाने के लिए थी। तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा बी और सी, बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा। केवल बी और सी दोनों सही हैं। उदारीकरण संबंधित को समाप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था में निम्न विभिन्न क्षेत्रों को खोलने के लिए पेश किए गए था, क्या किया गया था? अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को खोलने के लिए पेश किया गया था आपका 1990 में। पहले निम्न में किस उदारीकरण के उपाय के लिए थे? देखिए, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ये सभी, क्योंकि औद्योगिकरण लाइसेंस के लिए भी खोला गया था, निर्यात आयात नीति भी थी, कर सुधार भी था, विदेशी निवेश भी था, और आपका प्रौद्योगिकी उन्नयन भी था। तो आपका जो है चारों सही है, पांचों सही है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन वाला डी सही, बिल्कुल। ऑप्शन कौन से वाला हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए? ये किए गए थे आपका मुक्त व्यापार को बढ़ाने के लिए। डी फॉर डंकी सही हो जाएगा। देखिए, MRTP अधिनियम कब प्रभावी हुआ? देखिए, जो आपका MRTP अधिनियम है ये कब आया था? ये आया था 1970 में। कब आया था ये? 1970 में आया था। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है कितना है? 7.3% है। निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो कौन सा बनाता है? वो होता है सहारनपुर वाला, हमारा सहारनपुर। चलिए, अगला सवाल, निम्न में से किस जिले को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? किसको नहीं करती? बस्ती को नहीं करती। देखिए, अगला सवाल, निम्न में से किस जिले को सीमा नेपाल से लगती है? जो आपका महाराजगंज है ना, वो अटैच है किससे? नेपाल से। चलिए आगे, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं है, ये तो आप सभी को पता है। चलिए, अगला सवाल, माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? जो आपका माता टीला बांध है ये है आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? ये है आपकी नरोरा में। कहाँ पर है ये? नरोरा में है। नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है, और नरोरा है आपका बुलंदशहर में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया? ये है आपका रिहंद नदी परियोजना, रिहंद नदी पर। सी और चीता सही हो जाएगा। प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ये है आपका महोबा का पान प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे, उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? उत्तर प्रदेश में आलू भी होता है, गन्ना भी होता है, गेहूं भी होता है, चावल उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा नहीं होता, होता तो है। राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया, कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है रिहंद बांध पर। कहाँ पर? रिहंद बांध पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो सारे ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। LT
पीसी संयंत्रों में से कौन गैस आधारित नहीं है? वो है आपकी टांडा। कौन सी है? टांडा। प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तापीय ऊर्जा है। क्या है? तापीय ऊर्जा है। चलिए आगे, निम्न में से जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरता? देखिए, प्रयागराज से गुजरता है, आगरा से गुजरता है, दीनदयाल जंक्शन से गुजरता है, अलीगढ़ से नहीं गुजरता। क्या? जीटी रोड, ग्रांट ट्रंक रोड। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब हुई? ये हुई थी आपकी 1983 में। कब हुई थी? 1983 में हुई थी। प्रदेश के एक परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरोरा बुलंदशहर की प्रथम इकाई चालू कब की गई? यानी कि जो नरोरा है ये चालू कब हुआ था? ये हुआ था 1991 में चालू। ऑप्शन नंबर सी फोर चीता सही हो जाएगा। चलिए 94वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से जुड़ा है? जो आपका NH 44 से जुड़ा है वो कौन सा है? आगरा है। क्या है? आगरा है। ऑप्शन नंबर ए, ए फोर क्या होता है? एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन तापीय परियोजना नहीं है? रिहंद नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 300 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कहां पर? मिलते हैं ये, मिलते हैं आपके झांसी में, यूपी के। चलिए आगे, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई कहां पर? की गई रायबरेली में की गई। दोस्तों सभी क्वेश्चन ना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, और आप इनसे अलग जो है और भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं अगर आपको अच्छे स्कोर करना है। चलिए 99वां क्वेश्चन, प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी क्षेत्र है। कौन सा है? पूर्वी क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र कहां पर है? ये भी आपका जो है कहां पर है? ये भी आपका पूर्वी क्षेत्र है, क्योंकि जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो पिछड़ना तो बनता है। ये थे दोस्तों हमारे आज के मॉडल पेपर के 100 क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी वीडियो को जरूर बताना है, और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको जैसे ही कल एग्जाम होगा उसके बाद आपको जो है एनालिसिस इसी चैनल के माध्यम से मिलने वाला है, जिसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब बेहतरीन से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।